आज मैं आपको हाफ कॉलर वाला ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी जिसमें डबल तीरा लगा है और मैं फिटिंग करना सिखाऊंगी आपको। ब्लाउज की कटिंग नहीं देखी है तो पहले आप कटिंग देख लीजिए जिससे आप अच्छे से समझेंगे। सिलने से पहले कटिंग देखना बहुत जरूरी रहता है। चलिए सिलाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आगे के पार्ट से बनाना शुरू करते हैं। ये जो प्लेट है पहले इसको डाल देते हैं। तो इसको उठाया और इन प्लेटों को डालना है पहले। तो ये उल्टी ही साइड से हम प्लेटें डालेंगे, जिस तरफ से हमारे निशान है उसी तरफ से हम प्लेटें डालेंगे। और ये हमारी प्लेट आधा इंच से जाएगी और इस तरह तिरछी जाएगी, तो पूरी प्लेट एक इंच की हो जाएगी। इस तरह हम तिरछी इसको ले जाएंगे। तो ये दोनों बराबर से रहेंगी आधे इंच के हिसाब से। ये दोनों प्लेटें आधा आधा इंच के हिसाब से एक साइड से दबती है तो ये पूरी एक इंच की हो जाती है। अब इसको हम इसको पूरी आधा इंच की करना है आपको। तो इसका इतना जाएगा, आधे से भी आधा, दो पॉइंट का दबाना है आपको और इस तरह तिरछा लेते चले आना है। लास्ट में एकदम घटा देना है। अब हमारी सारी प्लेटें इसी के साइज से जाएंगी। ये सारी प्लेटें आधा इंच की पूरी बनाना है इसको। तो आपको ध्यान रखना है कि आधा इंच से कम कपड़ा इस एक साइड से आधा इंच से कम जाएगा, पूरा आधा इंच की बनना है। इस सारी प्लेटें डालने के बाद इसको सीधा रखना है। अब आपको ध्यान देना है कि जिस तरफ हमें तुरपाई वाली पट्टी रखना है उस तरफ दो पॉइंट हम ज्यादा काटेंगे। इसको बीच से जॉइंट खोलना है। तो ये जो सीधा लाइन दिख रही है आपको, अब एक तरफ तुरपाई वाली पट्टी लगाएंगे जिसकी तरफ कपड़ा लुट जाता है, थोड़ा सा दब जाता है, तो उस तरफ हमें दो पॉइंट एक्स्ट्रा काटना है। जैसे इस तरफ हम तुरपाई वाली लगाएंगे तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के काटेंगे, ठीक है। अब इसमें हम तीरा जॉइंट करेंगे। पहले इसमें एक तीरा उठाते हैं और एक में लगाएंगे। इस तीरा को किस तरह जोड़ना है आपको समझ लीजिए आप। इसको इसके ऊपर रख दिया, तो एक साइड से इस तरह पकड़ना है, इस तरह पकड़ा और पूरे कपड़े को इसी के अंदर इस तरह फोल्ड कर देंगे। इस तरह फोल्ड कर दिया पूरा और इसको पकड़ लिया हमने, इसको इस तरह पकड़ लिया। तीनों कपड़ों को एक साथ मिलाते हुए सिलाई चलाना है। अब हम आधा इंच की सिलाई यहाँ से चलाते जाएंगे और तीनों कपड़ों को मिलाते हुए, ठीक है। पैक करने के बाद अब इसके अंदर से इसको निकालना है। इस तरह हमारा ये डबल तीरा लग गया। एक इंच की जो हमने प्लेट डाली थी वो कपड़ा इधर बढ़ गया है। अब इसको हम काट के निकाल देंगे। डबल तीरा लगाने में क्या आपको फायदा है कि आपको ना तो तुरपाई करनी पड़ेगी और एकदम गुलाई से फिटिंग जाएगी, तो फिटिंग बहुत सुंदर आती है इसकी। इस पे आप तुरपाई करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह आपको इसको लगाना है। एक बार फिर समझ लीजिए, इसके ऊपर रखने के बाद इस सारे कपड़े को हम इसी के अंदर इस तरह भर देते हैं। इस तरह मोड़ा इस कपड़े को और इसको, तीनों को पकड़ लेंगे एक साथ, तो पूरा कपड़ा अंदर की साइड भर गया है और इन तीनों को पकड़ना है आपको और आधा इंच की सिलाई चलाते जाना है। इसके अंदर से इस तरह निकाल देना। दोनों तीरा लगाने के बाद अब हम इसमें पट्टियां लगाएंगे, इस तरफ हाई के लिए इस तरफ तुरपाई के लिए। तो पहले हाई वैली बना देते हैं। इस कपड़ा को इसके ऊपर रखा और इस पे हम दो पॉइंट की सिलाई चलाएंगे। इसको एक इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, लंबाई में निकाल दिया है। अब इसको इसी के अंदर इस तरह फोल्ड करना है और इस पे इसको नाखून से इस तरह दबा लेना है। पहले एक बार अंदर की साइड कपड़े को दबाना है और इसको इस सिलाई के ऊपर इस तरह रख देना है। अब हम इस पे सिलाई चलाएंगे। अब एक सिलाई इसके ऊपर ले जाना है, इसी कपड़े के ऊपर ले जाना है। नीचे की साइड सिलाई नहीं डालना है, इस कपड़े के ऊपर चलाना है, इस कपड़े के ऊपर। जो सिलाई का कपड़ा है हमने अंदर की साइड मोड़ा है उसी के ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। तो एक सिलाई सीधा
इसके ऊपर ले जाना है और दूसरी इसके पास से ले जानी है। इस पट्टी को तैयार करने के बाद अपन दूसरे पार्ट की पट्टी तैयार करेंगे, तो इस पे तुरपाई के लिए बनानी है। तो इस पे इसके ऊपर कपड़ा रखा और दो पॉइंट की सिलाई, दो पॉइंट की समझिए आप, या एक पैर की सिलाई चलाते हैं जो एक पैर का मार्जिन लेके आपको सिलाई चलाना है, ठीक है। इसको भी बढ़ा के ही काटेंगे, इस तरह बढ़ा के काटा और नाखून से इसको दबा दिया। दबाने के बाद एक सिलाई हम इसी के ऊपर अभी चलाएंगे, ठीक है। तो पहले एक सिलाई इसी के ऊपर चला लेते हैं, कपड़े को दबा दिया है, ठीक है। इस पे सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, इसके बराबर से एक बार फोल्ड किया। इसमें हमें हुक लगाना है तो इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग पट्टी बनाते हैं, ठीक है। इसको डबल करने के बाद इस तरह इसको मोड़ देंगे। वह ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को इस तरह दबाया, अंदर की साइड दबाने के बाद इसको इस तरह करना है। डबल करने के बाद इसको एक बार ऑफ फोल्ड कर देंगे। अब इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे, बाद में इस पर तुरपाई करने पड़ती, तो पहले एक कच्ची सिलाई यहाँ से लगा देते हैं। इसके बीच में से इसको रुकाना है अभी, तो एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई लगा ली है इस पर, गले की दोनों साइड से पट्टियाँ लगा लेंगे। ये दोनों अलग हैं तो इनको इसी तरह लगाएंगे। पहले इस साइड से शुरू करते हैं, तो इस पर दो पॉइंट की सिलाई चलाएंगे। ऐसे ही चलाते आना है सीधे यहाँ तक। इसको काट लिया, अब हम इसमें लगाएंगे। तो एक पॉइंट इसको निकालना है आगे की साइड, इस तरह थोड़ा सा निकाला कपड़े को। कपड़ा सीधा है और पट्टी को उल्टा रखना है आपको, और गोल सिलाई घुमाते जाना है। इसमें पट्टियां लगाने के बाद इस पे हम थोड़ा प्रेस से इसको दबा देंगे तो एकदम सीधी गोल आ जाएंगी। इसको इस तरह अंदर की साइड दबाते जाना है थोड़ा थोड़ा। आपको इसी तरह संभालते हुए इस पे प्रेस कर देना है। इधर इधर की साइड भी थोड़ा मोड़ दिया है कपड़े को, इस तरह अंदर पट्टी की सामने रहना चाहिए इसको, और इस पे प्रेस कर दिए। तो अंदर की साइड कपड़ा दबाते हुए आपको सफाई से प्रेस को घुमा देना है, ठीक है। तो इसी तरह हम इस पार्ट पे भी करेंगे। इसको हल्का सा कपड़ा अंदर की साइड दबाया आधा इंच से कम, और इसको इस तरह दबाया और इस पे प्रेस करना है। तो संभालते हुए प्रेस करते जाना है। दोनों पे प्रेस कर ली है, अब इसके बाद हम इस पे कच्ची सिलाई डालेंगे। अब आपको कच्ची सिलाई से इसको रुका देना है, दोनों को बीच से कच्ची सिलाई डालनी है और यहाँ तक रुकाना है। इसी तरह सिलाई हम दूसरे पार्ट पे लगा लेंगे। तो दोनों पे सिलाई लगा ली है, अभी हमने कच्ची सिलाई डाली है, इसको निकाल के तुरपाई करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो अब पीछे का पार्ट इसमें जॉइंट करेंगे। तो इसको हमने सीधा रखा है, आगे के पार्ट को उल्टा रख दिया है इसके ऊपर, इस तरह रखा। रखने के बाद आधा इंच की सिलाई इसमें जॉइंट करना है, आधी इंच की सिलाई इस पर चलाना है। तो ये हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हमारा एक गला इतना जो बढ़ रहा है उसको हम काट के निकाल देंगे। हमने कपड़ा इसका मुड़ गया है इस पट्टी में, तो ये बढ़ गया है, इसलिए हम इसको भी इसी तरह निकाल देंगे हल्का सा। अब इसको हम सीधा कर देंगे। इस सिलाइयों को पीछे की साइड दबाना है इस तरह। ये कंधे की साइड कर दी है, पीछे के पार्ट को तैयार करेंगे। अब ये जो हमारी प्लेट है उसको डालेंगे। ये जो आपको प्लेट दिख रही है इसको मैं डार्क कर देती हूँ। इस तरह तिरछा ले जाएंगे, आधा आधा इंच के हिसाब से प्लेट लगाएंगे। तो इसको सीधा कर लीजिए, जो जितना हमें कपड़ा अंदर की साइड मोड़ना है वहाँ से हमारी सीधी रहना चाहिए। फिर धीरे से हल्की सी यहाँ से तिरछा करते जाएंगे, ऊपर की साइड तिरछा कर देंगे। डार्क कर दिया है, अब आपको यहाँ तक सिलाई डालनी है। तो इसी को रख के आपको इसको रख के इस तरह मिला लेना है, दोनों को बराबर से डालना है। तो जितना कपड़ा हमने इधर दबाया है
इसी स्लाइस से आपको चलाना है। इस प्लेट को इस तरफ झुका देना है और एक प्लेट को इस तरफ झुका देना है। अब आगे के पार्ट को इससे मिलाना है। पहले तो पहले आप इसको मिला लीजिए। इस तरह मिलाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इसी लाइन से ये कट तक हम इसको फोल्ड करेंगे। एक बार अंदर की साइड आधा इंच, अंदर की साइड एक बार फोल्ड कर दिया। अंदर की साइड आपको आधा इंच इस तरह दबाया और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर दिया। तो इसी तरह मिलाते हुए आपको इस पे कच्ची सिलाई लगानी है। बीच से ही कच्ची सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई लगा ली है। ब्लाउज बनने के बाद कच्ची सिलाई को निकाल देंगे और इस पे तुरपाई करेंगे। फिर अब इसको हम पैक कर देंगे। तो इसको सीधा किया इस तरह, इसको सीधा किया और इसको उल्टा रखा। तो इसी निशान से हम सिलाई लगाएंगे। जो हमने काटते समय निशान लगाए थे, मशीन हमारी इसी निशान पे चलेगी। तो काटते समय दोनों मुड्ढा बराबर रहते हैं और जब हमारी ये सिलाई इसको डाल देते हैं तो ये बढ़ जाता है कपड़ा। तो हम इसको छाड़ देंगे। इस तरह मिलाया, इसको आपको इस तरह गुलाई देते हुए मिला देना है। हल्का सा निकालना है। इस तरह सेप रहेगा आपका। और इसी तरह थोड़ा सा कपड़ा इस तरफ का भी निकाल देंगे। छांटने के बाद आप एक दूसरे से एक बार मिला लीजिए कि एक छोटा बड़ा तो नहीं है, कहीं छांटने के बाद हमारा एक छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो आप एक बार देख लीजिए। इस तरह देखने से आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका थोड़ा सा कोई छोटा बड़ा हो रहा है तो उसे बराबर इस तरह मिलाया। और ये कपड़ा जैसे हमारा बढ़ रहा है तो इसको हम निकाल लेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप। इस तरह जो मिला लिया दोनों को तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहेंगे। अब हम सिलाई इस पे ही चलाएंगे। अगर आप चाहो तो एक बार और नाप सकते हैं। जैसे हमारा सीना 36 था तो इसे साढ़े नौ का रखना है। तो हमारा 9.5 का परफेक्ट है। 9 का डबल 18, 18 का डबल 36। और ये वाली पट्टी होती है जो हम आधा इंच इसको बढ़ाए हैं, तो ये आधा इंच हमारी एक्स्ट्रा है। तो ये 9.5 की परफेक्ट है। ठीक है, तो मतलब कम और बढ़ होने की गुंजाइश नहीं है उसमें। अगर आपने इस निशान से हल्का सा अंदर की साइड दबा दिए तो थोड़ा सा आपका टाइट हो जाएगा। अगर आपने बाहर की साइड मशीन चला दी तो हल्का सा ढीला हो जाएगा। तो उसके लिए आप पहनने के बाद भी इस पे सिलाई डाल सकती हैं। दोनों सिलाई लगाने के बाद अब सीना का तो मैंने आपको नाप बता दिया है कि ये 9.36 हुआ और आधा इंच की जो हमारी पट्टी एक्स्ट्रा थी वो। और इसको भी नाप लेते हैं। ये हमारी फिक्स 9 की रही। ये बड़ी है पट्टी, इसको बढ़ाया था तो ये आधा इंच एक्स्ट्रा है और हमारा सीना 36 है पूरा। अब एक बार आपको कमर का नाप बता देते हैं। कमर हमारी 30 थी तो इस तरह दोनों को पकड़ा तो ये आधा इंच एक्स्ट्रा पट्टी है जो अंदर की साइड मुड़ जाती है। तो आधा इंच पट्टी को निकालने के बाद हम इसको 30 इंच पूरा परफेक्ट चाहिए। तो ये हमारा परफेक्ट 30 है। 15 का डबल 30। तो कमर हमारी परफेक्ट है, सीना हमारा परफेक्ट है और जो आधा इंच एक्स्ट्रा है वो हमारा हुक में इस तरह दब जाता है। जब हुक लगाते हैं तो इस तरह आ जाती है पट्टी। अब इसके बाद हमें आस्तीने लगाना है और आस्तीन के बाद कॉलर लगाना है। तो पहले आस्तीने तैयार कर लेते हैं। ये जो हमारा निशान है अभी हम इसी से अंदर इसको अंदर की साइड दबाएंगे और तुरपाई के लिए तैयार करेंगे। नाखून लगाने के बाद इसको अंदर की साइड आधा इंच फोल्ड करेंगे। इसको इस तरह फोल्ड किया और इसको दबा लिया। फिर इसके ऊपर इस तरह करना है आपको। ये तुरपाई के लिए है तो पहले बीच से सिलाई डाल के इसको रुकाना है अभी। ठीक है, तो दोनों को रुका लेंगे इसी तरह। दोनों पे कच्ची सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसको सीधा रख लेते हैं। अभी इस तरह सीधा रखा और इसको भी सीधा रखा। अब आपको दोनों को देख लेना है कि दोनों सीध में होना चाहिए। अब आपको ध्यान देना है कि जो ये कट वाला निशान है
जो गहराई है वो हमारे सामने की है और ये हमारा पीछे का पार्ट है। आस्तीनों को इस तरह रखिए कि दोनों आमने सामने होना चाहिए, जिससे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहेंगी। अब इसको हम उल्टा करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। एक बार मोहरी नापेंगे, हमें सेप 12 रखना है तो 6 से इसका निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको 7.5 हमें मुड्ढा के हिसाब से रखना है, लेकिन हम थोड़ी सी इसको बड़ा रखेंगे। इसको तो 7.5 से 1 पॉइंट इसका बड़ा ही रखना है, क्योंकि आस्तीन थोड़ी खिंचती है, मुड्ढा हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको 7.5 पे रखा और इस निशान को मिला दिया। अब हमारी सिलाई इस पे चलेगी और ये कपड़ा हमारा एस्टर रहेगा। इसी तरह सिलाई हम इस पे लगा लेंगे। तो दोनों पे सिलाई लगा दी है हमने, अब इसको हम सीधा करेंगे। अब इन दोनों आस्तीनों को इस तरह रखा, दोनों को आमने सामने रखने के बाद इससे एक बार मिला लेते हैं तो ये हमारी बराबर है। तो यहाँ से बराबर है। अब इसको किस तरह लगाना है वो समझिए। आपको इस पार्ट के अंदर से, इस पार्ट के अंदर से हाथ इस तरह डालना है और इस सिलाई को पकड़ लेना है। इस सिलाई को पकड़ने के बाद हम दूसरे हाथ से इसको उठाएंगे और इसकी सिलाई को इससे जॉइंट करेंगे। दोनों को मिला दिया है, दोनों सिलाइयों को इस तरह मिला देना है आपको। मिलाने के बाद अब हम इस पार्ट को इस अंदर से निकाल लेंगे, इस पार्ट के अंदर से इसको निकालेंगे। आस्तीन को इस तरह बाहर निकाल लिया है तो इस तरह पकड़ा और अब हम सिलाई सी के ऊपर चलाएंगे। तो आपको इस तरह संभाल लेना है पहले और इस तरह रखने के बाद अब हम 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम सिलाई के ऊपर चलाएंगे। 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम, एक पैर का मार्जिन से हम सिलाई चलाएंगे। ठीक है, तो अब आपको ये वाली सिलाई है तो इस तरह इसको दबाना है। इस तरह दबाते हुए सिलाई को निकालना है मशीन को। इस सिलाई को इस तरह तिरछा किया, इस तरह इसको तिरछा कर लेना है। इस तरह तिरछा किया और इस तरह अब हम मशीन को इसके ऊपर से निकालेंगे। आस्तीन लग गई है, ये बिल्कुल परफेक्ट आई है। इस तरह आप नाखून से दबा दीजिए, बाद में तो प्रेस हो जाएगी। अब इसी तरह हम इसको लगाएंगे। तो आप एक बार फिर देखिए, इसको सीधा रखना है, एक गहराई वाला कपड़ा है तो आगे के पार्ट में लगना है और इसको उसी तरह फिर लगाएंगे हम। यहाँ से हाथ डाला और इसको पकड़ लिया, इन दोनों सिलाइयों को मिला दिया और अंदर की साइड खींच लेंगे। तो आपको उसी तरह इसमें भी गोल सिलाई घुमाना है। दोनों आस्तीनें लग गई हैं, अब कॉलर लगाना है हमें। कपड़े पे एक सिलाई लगा देते हैं अभी यहाँ से। ये कपड़ा आपका अच्छे से अंदर की साइड दब जाना चाहिए। इस सिलाई को लगाने के बाद अब हम इस कपड़े के ऊपर रखेंगे। इसको इस तरह रखा, इसके ऊपर इसको इसके ऊपर रख दिया है। अब इसके पास से सिलाई चलानी है हमें, इसको बंद कर लेना है। बकरम के बिल्कुल पास से मशीन चलाएंगे। बकरम के ऊपर सिलाई नहीं चलना चाहिए, बकरम के नीचे सिलाई चलेगी। फिर लास्ट तक हमें बकरम के नीचे तक सिलाई चलानी है। हल्का सा कपड़ा निकाल लिया है इस तरह। कपड़ा काटने के बाद यहाँ पे कट लगाना है। अब यहाँ पे कट लगाना है आपको, सिलाई नहीं कटना है, बस इस तरह कट लगा देना है। कट लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। इसके सेप को अच्छे से सीधा करना है। अब इस पे नाखून आपको इस तरह लगाना है कि नीचे का कपड़ा ऊपर की साइड नहीं निकलना चाहिए। बस इसको अच्छे से दबा दीजिए कि बकरम ही सामने रहे और नीचे कपड़े को इस तरह खींच लीजिए। नीचे का कपड़ा ऊपर की साइड नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। इसको डबल किया, इसके बीच में कट लगा दिया, इस तरह कट लगा दिया है। अब इसको एक साइड से हम इसको नाप लेंगे। इस कट को बीच में रखा, इस तरह मिलाते हुए और हमारी कॉलर यहाँ तक लगेगी। अब यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। अब कॉलर हमारी यहाँ से यहाँ तक, तो अभी सिलाई हम यहीं तक डालेंगे। जो हमारा कट का निशान है
तो हम दो बार में कॉलर लगाएंगे। इस निशान से हम इसका कोना पकड़ा और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाना है आपको। इसी निशान के हिसाब से हम बीच में, जो हमारा ये बीच का निशान लाइन दिख रही है आपको गले के बिल्कुल बीच में, इसी लाइन पे हम एक निशान या कट का निशान लगा लेंगे। इस कट के पास कट से कट मिलाना है और यहाँ से लगाना है। बकरम नीचे की साइड है और ये कपड़ा नीचे वाला इससे मिला दिया है। इधर सिलाई रुकाने के बाद अब हम फिर इधर से शुरू करेंगे, इसको यहीं से शुरू करेंगे दूसरी साइड से। आधी सिलाई हमने यहाँ से लाके यहाँ पे रोकी है इस कट के पास और आधा सिलाई यहाँ से इसी कट के पास रोकी है। दोनों साइड से आधा आधा लगाया। अब यहाँ से हम सीधा कर देंगे इस कपड़े को। इसको अंदर की साइड दबाया और बकरम को ऊपर की साइड रख दिया इस तरह। अब बकरम को एक कपड़ा है जो उसको इस तरह अंदर की साइड दबाना है और इसको मिलाते हुए और इस कपड़े को अंदर की साइड दबाते हुए आपको इस सीप के ऊपर सिलाई चलानी है। सिलाई को एक बार ही अब शुरू करना है। यहाँ से शुरू करेंगे हम और पूरा लास्ट तक डालते जाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे और लास्ट तक इसी तरह दबाते जाएंगे। इस कपड़े को अंदर की साइड दबाना है, ये जो कपड़ा है हमारा इसको अंदर की साइड दबाना है और इसको इसके ऊपर रखना है। तो इस पे सिलाई लगा लेते हैं। इस सिलाई को पूरा घुमाते चलाना है। तो कॉलर लग के तैयार है। अब मैंने ये तुरपाई वाला बनाया है तो ये धागा को निकाल के और इसमें तुरपाई करेंगे, अंदर की साइड इसमें तुरपाई करेंगे। आप चाहो तो इसको पाइपिंग वाली भी बना सकती हो। पहले आप पाइपिंग लगा देना और बाद में कॉलर लगा देना अगर आप पाइपिंग वाला बनाना चाहती हैं तो। ठीक है, तो ब्लाउज बन के तैयार है। अब इसमें प्रेस होना है और इस तरफ हुक लगना है, इस तरफ हाई लगना है और यहाँ पे तुरपाई होगी इसकी और ये गले पे तुरपाई होगी और इस पट्टी पे भी तुरपाई होगी और इसमें हुक लगना है, इसमें हाई भरना है। आप बनाइए, ट्राई कीजिए, पहनने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है। हुक लगाना सीखना चाहती हैं तो नीचे लिंक दी हुई है, आप हुक लगाना सीख सकती हैं। तुरपाई की भी लिंक नीचे दी हुई है, आप तुरपाई भी सीख सकती हैं। बनाइए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।